नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। किराएदार ने दुकान मालिक का किया जीना हराम, बिना मालिक की मर्जी के अंदर ही अंदर बढ़ा ली दुकान। दुकान अपनी बताकर बैंक से करा रहा है बड़ा लोन। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। थाना मुदरवाजा क्षेत्र के मोहम्मद जमील पुत्र इलाही बख्श निवासी 3A पुलगाम ने पुलिस अधीक्षक फरुखाबाद को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि बिना किसी लिखित के मौखिक तौर पर 17 वर्ष पूर्व मुजीब को अपनी दुकान दी थी, अतः मुजीब का स्वर्गवास हो गया जिसके कारण हमने किराया नहीं लिया और दुकान काफ़ी समय बंद भी रही, परंतु अब मुजीब का पुत्र अदनान ने पूरी दुकान में कब्जा कर लिया है। किराया मांगने पर गालियाँ देता है, जबकि प्रार्थी के लीवर में कैंसर है, अतः प्रार्थी अपने इलाज हेतु दुकान बेचना चाहता है जिससे वह अपना इलाज करा सके, परंतु अदनान पुत्र स्वर्गीय मुजीब दुकान खाली नहीं कर रहा। जबकि गुप्त सूचना से पता चला है कि अदनान दुकान के ऊपर बहुत बड़ा लोन ले रहा है, जिसके कारण परेशान होकर प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक फरुखाबाद के पास जाकर गुहार लगाई। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे का वीडियो हमारी संवाददाता हुमा खान के साथ, और आप देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। 76 न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक, मेरे कैमरामैन हरुण के साथ बात करो। क्या है हमारा मसला? ये है कि हमारे सास के नाम दुकानें हैं, हमारे आदमी की चीज है जी। हम उसको बेचना चाहते हैं जी। ये हमारा पुराना किराएदार है, ना तो किराया देता है ना खाली करता। किराएदार का नाम क्या है? अदनान। और माँ का नाम आबदा बेगम। अच्छा, आबदा बेगम क्या कह रही हैं आपसे? आबदा बेगम हमें धमकी देती हैं कि हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हमारे आदमी की चीज है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं रकाबगंज के। अच्छा, रकाबगंज के हैं। तो आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी दुकान इनसे खाली करा दी। अच्छा, आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह दी? हमने सब जगह दरखास्तें साहब दी, हमारा आदमी बीमार है। आपके आदमी को क्या हुआ है? कैंसर हो गया है। अच्छा, कहाँ है? खाने के लीवर में। कहाँ है आपके आदमी? बीमार, घर पे लेटे हैं। अच्छा, पीछे लेटे हैं। अच्छा, क्या है? मोहम्मद जमील उर्फ मुन्ना। हाँ, तो आपको क्या हुआ है? मेरा लीवर खराब हो गया जी। जी, मेरी पेट में गांठ है। काहे की गांठ है? कैंसर की। कैंसर आपको हो गया? हाँ। अच्छा, मैं अपना इलाज कराने के लिए, हमने अपने बच्चों के लिए दुकानें खाली कराई पैसा दे के। जी जी, मैंने अपनी दुकानें खाली कराई, एक दुकान खाली कराई, लेकिन क्या करें, हमें इलाज के लिए 50 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। 25 लाख रुपया की हमने दुकान बेच दी। अच्छा, 25 लाख रुपये इनसे क्या भैया, तुम हमसे 1 लाख रुपया ले लो, कहते कहते तो तुमने 25 की बेची, 5 हमें दो। तो क्यों आप 5 दोगे उनको? 5 इस बात के दो कि जिंदगी 2003 से वो बैठे हुए हैं किराए पे। हाँ, किराए पे किसी सरकारी ऑर्डर करा लिया कि अपनी रिस्क पे हम किराया जमा कर रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने अपनी रिस्क पे किराया जमा करा, कोई ना मेरे मेरी बहन मेरे भाई का विवाद है घर में, लेकिन किसी ने इनको रोका नहीं। इन्होंने हमारे साथ में ये करा कि इन्होंने क्या 5 लाख दो तो दो। अच्छा, तो आपने ये बताइए कंप्लेंट वगैरह करी किसी अधिकारी को, सूचना दी इस बात की? जी दी। अच्छा, तो आज भी सुबह थाने गए थे। अच्छा, थाने गए थे तो उसमें क्या क्या कहा आपसे? हम कह रहे हैं जबरदस्ती तुम्हारी दुकानों पे से तार निकालेंगे। हाँ। और साले जब ये तक, कौन कह रहा है आपसे? अदनान की अम्मा आबदा बेगम। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि जब तक तू करेगा बेचने का, और जो किराया जो लेने आता उससे मना कर देते हैं कि सबका हिस्सा है, सबके दस्तखत कराओ, तो इस वजह से रुक जाता। जैसे तैसे हमने बेची तो इन्होंने कहा कि तार तुम्हारे घर। वो बात आप सर छोड़िए, आप ये बताइए दुकान के मामले में आप क्या चाहते हैं, हमें ये बताइए आप। दुकान के मामले में हम ये चाहते हैं, हमने उनसे कहा, हमने भैया हमारा आपके पास कोई कंप्लेंट वगैरह है इसकी जी? कंप्लेंट दी, दिखाइए आपकी कंप्लेंट कहाँ है, आपने प्रशासन को जब कंप्लेंट दी आपसे प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने ये कहा कि उसने अपने आप रात में दीवार गिरा ली, और मेरे किसने दीवार गिरा दी? अदनान ने। अदनान ने? और
अदनान ने उनकी अम्मा और उनकी बहन ने उन्हें। अच्छा, सबने दुकान की, खुद उन्होंने दीवार गिराई, आपके ऊपर इल्जाम। चाबी उनके पास है तो अच्छा, हम कहाँ से गिरा लेंगे? हाँ, आप गिरा ही नहीं सकते। हाँ, उनके अच्छा, पास चाबी और लाइट उसने हमारी जोड़ ली। अच्छा अच्छा, ये बताओ, अच्छा ये बताओ, जब उसने दीवार गिराई, जब आपने प्रशासन से कुछ नहीं कहा, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा? हम तो लेटे हुए नहीं, आप तो लेटे हो, आपने प्रशासन से ये बात कही? प्रशासन, हाँ, तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी? प्रशासन ने क्या गिरा दी, वो तो अपने आप गिर गई, उसने कह दिया। नहीं तो तुम्हें तो आपको ऊपर कहना चाहिए था, आपने ऊपर शिकायत करी। जब उसने ये कह दिया कि ये खस्ता हालत, खुद ही वो दरखास्त दे आया। चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपको आपका इंसाफ हक मिलने के लिए। हम हमारी यूपी और वो आज जो कह रहे, जब तक तुम करोगे, जब तक हम लोन ले लेंगे, तुम्हें पता नहीं लगने देंगे, देखे कैसे खाली करा लोगे तुम। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि वो उस पे लोन ना ले सके? हम नहीं चाहते हैं कि उसके ऊपर बगैर तीन तीन मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, समझे? चलिए ठीक है, ठीक है। हमारी यूपी क्षेत्र न्यूज़ पूरी आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। मैं हूँ उमा खान, आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज़, खबर फरखाबाद की दुनिया तक।